यहाँ पे गुरु नानक स्कूल में हर साल गुरुपर्व इस तरह से मनाया जाता है और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ सब लोग आते हैं। मैं भी बहुत सालों से आ रही हूँ, यहाँ मत्था टेकती हूँ, बहुत शांति मिलती है। और गुरु नानक देव के जो वचन है, जिस तरह से सब लोग मिलकर सहयोग के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ, प्रेम के साथ रहना। और यहाँ देखेंगे आपकी लंगर होता है, जिसमें यहाँ बड़े बड़े घर के बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े पदों में रहने वाले लोग भी अपने हाथों से भोजन पकाकर सबको एक ही पंक्ति में बैठा के खिलाते हैं। यहाँ अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। और सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, उनको बहुत ही प्यार से सम्मान के साथ बैठा के खिलाया जाता है, वो यहाँ माथा टेकते हैं। मुझे लगता है ये सांप्रदायिक सौहार्द का और आपसी प्रेम और भाईचारे का एक प्रतीक है ये पर्व, और इसे सब लोगों को मनाना चाहिए। मुझे बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सब लोगों मुझे बहुत सम्मान देते हैं। तो हर साल पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देश के लोगों को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। सदगुरु गुरु नानक देव जी का आज 553वां प्रकाश पर्व है। पर्व का उल्लास बिखरा पड़ा है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने गुरु नानक स्कूल परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण किया है, विशेष दीवान सजा है, पंडाल में श्रद्धा बरसेगी, हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। महिलाओं और पुरुष साथ संगत के बैठने के लिए अलग अलग कतार की व्यवस्था की गई है। कीर्तनी जत्था अमरजीत सिंह व बलविंदर सिंह रंगीला कीर्तन गायन करेंगे, सर्वजीत सिंह धुंधा कथा करेंगे। कथा के समापन के बाद कड़ा प्रसाद का वितरण होगा, अटूट लंगर चलेगा, मुख्य पंडाल के समीप सेवा शिविर में चाय कॉफी आदि की व्यवस्था है, रक्तदान शिविर भी लगा हुआ है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए, साथ ही सांसद संजय सेठ, दीपक प्रकाश, महुआ मांझी और आदित्य साहू भी शामिल हुए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।